हेलो एवरीवन, आज हम पांच चार्ट ट्रीट करेंगे। सबसे पहला है 23/9/1986 6:23 AM आजमगढ़ यूपी। सबसे पहले है मेरी मैरिज। तो 27/10/2018 से आपके योग चल रहे हैं, 26/10/2021 के बीच में आपकी मैरिज है। मेरा फंसा हुआ पैसा कब निकलेगा? 20/9/2022 से आपका फंसा हुआ पैसा निकलेगा। मुझे जॉब करनी चाहिए मतलब या बिजनेस? नहीं, उन्होंने जॉब का नहीं पूछा, मैरिड एंड बिजनेस। देखिए, बिजनेस आप कर रहे हो, मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी जॉब करो चाहे बिजनेस, आप अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पैसा कहाँ है? पैसा आपको एक ही प्लेनेट देना है, चंद्रमा। चंद्रमा एग्जॉल्टेशन है, तो उसकी मूल त्रिकोण राशि क्या है? लिब्रा। सेकेंड हाउस पैसा खराब हो रहा है, पैसा और फैमिली कुछ भी नहीं, तो आप खुद सोच लो। और क्या है कि आपका राहु के पीछे गुरु है, तो गुरु कारक तत्व है सेकंड हाउस का। तो क्या होगा, आप जितना मर्जी कमा लो, पैसा है ही नहीं। ठीक है, अगला चलते हैं। 21/8/9/90 टाइम मॉर्निंग का है, 5:15 AM दिल्ली। इन्होंने पूछा है मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? आपकी गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट जॉब के लिए सारे बच्चे मत पूछा करो कब लगेगी। गवर्नमेंट का प्रोसेस है कि आपको एक पेपर देना है, उसको एंट्री क्लियर करनी है, उसके बाद आपका जॉब लग जाएगा। तो ये मैं ये बता सकती हूँ पेपर कब देना है। क्रैक आपको करना पड़ेगा 5 नवंबर से 30 मार्च के बीच में आपको पेपर क्रैक करना है। कर्क लगन है, कर्क लगन वालों को मैं बहुत बोलती हूँ, और आप सुन लेना, सारे कर्क वाले ही भेजते हैं क्योंकि मेरा पास लाइफ कनेक्शन है उन लोगों से। तो लेकिन ठीक है, आपने एक ही पूछा कि गवर्नमेंट का पेपर कब क्रैक करना है, तो यही जो टाइम है। आपका मंत्र बनना है ओम कार्तिकेय नमः, और एक कंपटीशन क्लियर करने का भी मंत्र मैंने दिया हुआ है, लेकिन वो बिफोर एग्ज़ाम के 1 ईयर पहले देना है और 6 मंथ पहले करना होता है, तो आप वो भी करो ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गुरु देंगे ही देंगे 5 नवंबर। अभी गुरु वक्री चल रहे हैं, उन्होंने आपको टाइम दिया है अपनी प्रेपरेशन करने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए, अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए। जैसे ही डायरेक्ट होंगे 5 नवंबर को शनि के ऊपर से, बस ये चांस 12 साल में एक बार, और यही शनि करते हैं 30 साल में एक बार। अभी जब एक बच्चे की लगी थी राहु केतु के एक्सेस चेंज होने पर, लेकिन मैं सडन नहीं कह सकती कि सबकी लग जाएगी, क्योंकि एक चार्ट को लेकर मैं नहीं चलती और थ्योरी मैं बार बार चेंज नहीं करती। आगे चलते हैं, अगला चार्ट है 31/8/2007 8:12 AM लखनऊ। मेरी बेटी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपकी बेटी के लिए सॉरी मेरी तरफ से। और देखिए, बच्ची है, बहुत छोटी है, अगर हो सके, मैं हमेशा कहती हूँ ये हमारे पे डिपेंड करता है, इसकी कुंडली में कुछ नहीं है, आप इसकी अब्रॉड सेटलमेंट का सोचिए। अगर आपने अब्रॉड सेटलमेंट करा दी, यही एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, लगन बदल जाएगा, जो लॉस में है वही प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं बुक्स हमेशा चेंज करा देती हूँ कि चलो बच्चे हैं, पढ़ाई वाले हैं, तो उसके सारे सिंह राशि में स्टार हैं। सूर्य के घर जो भी चला जाएगा, उसका ओज, उसकी फायरी उस चीज़ को ख़त्म कर देगी। सूर्य के घर में जाकर रहना और उसके सारे प्लैनेट वहीं पर है, सॉरी आपकी बेटी के लिए, लेकिन आप एब्रॉड सेटलमेंट कर दोगे तो कुछ हो सकता है। और उसकी बुक्स आप रखिए नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में करिए, और मैरिज लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी उसकी, आपकी बेटी के लिए सॉरी। आगे चलते हैं, ट्वेल्व/1/1986 4:50 PM धौलपुर। शादी कब होगी? 4/8/2020 में आपकी शादी है। आगे चलते हैं, 23/9/1996 10:30 AM हाथरस। इन्होंने प्रॉब्लम तो नहीं बताई, देखिए आपके लिए भी सॉरी। ठीक है, बस इस समय राहु की महादशा में आप यूँ कह सकते हो, हालात से आप कवर हो जाओगे।
मतलब अगर 6 8 12 कॉम्बिनेशन है, 11th भी है, सिर्फ कुछ नहीं आपके लिए भी, सॉरी। तो ये हमारे 5 चार्ट थे। मैं आपको सुबह की ही बात बता रही हूँ कि सब लोग मैसेंजर पर देखिए, मेरे को सिर्फ आधा घंटा मिलता है जब मैं अपनी चैनल के बारे में प्रमोट करती हूँ, फेसबुक पर सब्सक्राइब के लिए बोलती हूँ, लेकिन उसके बाद क्या है, कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। आपने खाना खाया, आप सो गए, आप जाग रहे हो, और मैडम आप कैसे हो, लंच हो गया। तो कभी सोचा है कि जो सुबह उठता है और रात के 3 बजे तक चैनल के लिए काम कर रहा है, घर के लिए, आपको सब्सक्राइब नहीं भी करना तो भी मुझे, मैंने कभी किसी पर प्रेशर नहीं करा कि आप करो ही करो। और मैं सिर्फ एक मैसेज देती हूँ कि क्योंकि मैंने बोला प्लेनेट हर तरफ से मुझे रोकेंगे, चैनल लिंक शेयर नहीं होगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा, गूगल मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, इवन अब तो मेरी इमेज, मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लो अपनी चैनल का, वो भी भेज दो, वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता कई बार तो। और इन चीज़ों को देखिए, मैं तो नहीं रोक सकती, लेकिन मैं सबको कहती हूँ, किरण पावा एस्ट्रोलॉजी चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब। अगर वो ओके बोल देता, मैं थैंक यू बोल देती, क्योंकि अपने आप जीमेल में ये बात आ जाती कि किसने सब्सक्राइब किया, किसने नहीं किया। लेकिन आप लंबी बातें करोगे तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं टाइप करूँ। तो मैंने किसी बच्चे को रिकॉर्ड करके भेजा तो उसने बोला गो टू हेल्प, आई एम लिविंग इन हेल्प। आप ये मत समझिए एस्ट्रोलॉजर है तो अपने लिए कोई चमत्कार कर लेगी। आप अपनी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, फैमिली है, चैनल है, मैं हर किसी का दुख लेके परेशान होती हूँ, देख के परेशान होती हूँ, क्योंकि आपका चार्ट का अगर पहले ही इतना नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट ही मेरे ऊपर आता है। आपको पता है इस 7 दिन के अंदर मैं बिल्कुल रिवाइव करती हूँ, फिर कैमरे के सामने आ जाती हूँ। ये मत समझिए पोतापाती करके बैठी हूँ तो बहुत ठीक हूँ। मैंने आपसे कोई गलत बात नहीं करी है, कभी गलत अपशब्द नहीं बोले, कि आप लोग सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये बात किस चीज़ की है, विश्वास की। और आजकल के बच्चों को क्या है, मैं क्यों लेती हूँ 86 के बाद बच्चों को, क्योंकि इनको गूगल के बारे में पता है, सब्सक्रिप्शन के बारे में पता है, कमेंट बॉक्स के बारे में पता है। क्योंकि अगर आप पीछे गए तो पहले उनको समझाओ, फिर वो टाइम लग जाता है। और मैं इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज देखती हूँ, तभी इतना कुछ पढ़ के मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तो भी वही हाल है जो है, इतनी हफड़ा तफड़ी। टाइम है, प्लेस नहीं है, प्लेस है तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है नीचे क्वेरीज नहीं लिखी। मैंने बोला कुछ प्लैनेट मुझे रोकेंगे, कुछ आपको, और किस बात की जल्दी है कि आधी इंक्वायरी भेजो। और हर वीडियो में ना बार बार बंदा वो बोलता रहे तो सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, मतलब हर वीडियो में। अब मैं यही बोल रही हूँ तो आप लोग मुझसे गुस्सा हो सकते हो कि क्या मैडम हर बार आप वही बोल देते हो, लेकिन सच बता रही हूँ, किसी में कोई चेंज नहीं। डीपी है, लाइक कर दो बस। मैं भी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई हूँ, मूल त्रिकोण राशि है लिप्रा, फ्रेंड्स, लेकिन मैं नहीं उसके लिए हूँ। शुरू से ही, आज से क्या, पढ़ाई तो मैंने 2009 से की है, तो कुछ चीज़ें क्या है पढ़ के समझी है मैंने। मैं आपकी तरह हूँ, नॉर्मल हूँ, जैसे आप लोग हो, सुबह उठते हो, काम करते हो, मैं भी ऐसे ही हूँ, कुछ कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि आपने अपनी फील्ड की पढ़ाई करी है तो मैंने इस फील्ड की पढ़ाई करी है। अगर आप किसी के साथ जुड़ते हो, जैसे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, पहले आप उसके प्रोफेशन को समझो। मैंने बाहर जैसे डीपी पे लिख रखा है, एस्ट्रोलॉजर किरण पावा, मैंने इसमें डॉक्टरेट कर रखी है, लेकिन आप क्या डीपी पर जाते हो, आपको एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं, आप मत जुड़ो। आप रिक्वेस्ट भेज के मुझसे पूछ रहे हैं आप कौन, और मैं इतनी डिग्री पढ़ने के बाद उस बंदे को एक्सेप्ट करती हूँ कि इतनी एजुकेशन है, तो मुझे क्या सोचना चाहिए, आप बता दीजिए। ये मेरा सबसे मुश्किल पड़ाव है 5 नवंबर तक का। मुझे बोला था, मैंने बोला था कि इस समय ट्रांजेक्शन ही ऐसी है शनि और केतु की, और गुरु इस समय अपने कंट्रोल में नहीं है, और स्नेक को सिर्फ गुरुदेव कंट्रोल कर सकते हैं 5 नवंबर से। मेरे में अपने आप ही पेशेंस और धैर्य आ जाएगा, लेकिन कैमरे के सामने मैं कुछ भी नहीं कहती किसी को, क्योंकि मुझे टू द पॉइंट ही सिर्फ बोलना होता है, आंसर देने होते हैं। लेकिन मेरी ये जो 8 महीने निकले, आप समझ लीजिए, इतना लोग टाइप कर कर के भेजते हैं, मैं कहती क्यों वेस्ट करते हो आप, अपने अच्छे काम में लगाओ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय।